बैक टू माय चैनल। तो मैं हाजिर हूँ फिर से एक न्यू जर्नी लेकर। आज हमारी जर्नी होने वाली है मसूरी एक्सप्रेस में, दिल्ली से लेके हरिद्वार तक। तो अब मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर। तो चलिए मैं आपको सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर मिलता हूँ, उसके बाद अपनी ट्रेन दिखाता हूँ। बने रहिएगा वीडियो में, इस जर्नी में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर। सो हम लोग अब पहुँच गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे। एक सामने खड़ी है हमारी ट्रेन जो दिल्ली से चलकर देहरादून को जाती है। अनाउंसमेंट भी सुन सकते हैं आप इसकी। चलिए मैं आपको अपने कोच के पास लेके चलता हूँ। तो गाइस मेरे साथ पता है क्या हुआ, मेरी स्लीपर में रिजर्वेशन थी, हम लोग 7 लोग हैं, बट आज ही मेरे को शाम को मैसेज आया कि हमारी टिकट अपग्रेड हो गई है। तो अब हमारी एसी में, हमें थर्ड एसी में अपग्रेड हो गया है, स्लीपर से थर्ड एसी में हमारी टिकट अपग्रेड हो गई है। तो मेरा कोच है, हम 7 लोग हैं, तो मेरे B2 में भी सीट है, 2 बंदे की B2 में सीट है और बाकी 5 लोग मेरे B3 में है। सॉरी, B3 में 2 लोग हैं, B2 में 5 लोग हैं, कन्फ्यूजन बहुत हो रही है। अब इसका ट्रेन नंबर है 04041 मसूरी एक्सप्रेस। तो फिर चलो मैं सीधा आपको इसका डिपार्चर दिखाता हूँ, मिलते हैं अभी सीधा डिपार्चर पे। तो अपने थर्ड एसी का इंटीरियर, अपनी सीट दिखाता हूँ, मैं अपनी फैमिली से भी मिलवाता हूँ। सो ये हमारी सारी सीट्स, ये हमारी फैमिली, ये मेरी मॉम है, ये दीदी है, और ये कुछ प्यारे प्यारे शैतान बच्चे भी हैं यहाँ पे, ये भी हमारी दीदी है, और हमारे अंकल जी है, और हमारे जीजू हैं, दो दो जीजू हैं यहाँ पे हमारे, और एक भाई भी है हमारे साथ। भाई क्या नाम है आपका? हाँ जी अशोक सोहान। ओके, अशोक नाम है भाई का। तो चलिए अब हम जर्नी एंजॉय करेंगे। अच्छा, सारी रात ऐसी जाने वाली है गाइस। तो आप देख सकते हैं ये अपर सीट है, सामने मेरा भी लगा हुआ है, यहाँ मिडल और लोअर। तो चलिए मैं डिपार्चर दिखाता हूँ, वो डिपार्चर स्टार्ट हो गया है। सो करेक्ट 10:25 पे हमारी ट्रेन ने डिपार्चर स्टार्ट कर दिया है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो गाइस ट्रेन में झटके बहुत आ रहे हैं। आप देख सकते हैं फूड स्टॉल्स भी खुले हैं यहाँ पर, तो आप चिप्स, कोल्ड ड्रिंक बहुत कुछ ले सकते हैं खाने पीने के लिए, वाटर बॉटल। और हमारी ट्रेन में लगा है WAP 7। अब मैं आगे किसी स्टेशन पर अगर देख पाया तो मैं आपको जरूर बताऊँगा कौन से सेट का है, क्योंकि मैंने इसको ऊपर फुटओवर ब्रिज से देखा था जब मैं प्लेटफॉर्म पर आ रहा था, तो WAP 7 लगा है। तो अभी आप डिपार्चर इन्जॉय कीजिए, इसके बाद मैं आपको ट्रेन का वॉशरूम दिखाऊँगा, वॉश मशीन वगैरह दिखाऊँगा। झटके बहुत मार रही है ट्रेन का इस। आपने देखा हमारी ट्रेन का दिल्ली जंक्शन से डिपार्चर। तो अब मैं आपको चलो दिखाता हूँ ट्रेन के वॉशरूम और मिरर वगैरह, वॉश बेसिन की कैसी कंडीशन है। और गाइस उत्कृष्ट एसी, मतलब उत्कृष्ट कोच में, थर्ड एसी में भी फर्स्ट जर्नी है, और मुझे कोच के वॉलपेपर वगैरह सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको भी सारी चीज़ दिखाता हूँ, प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो में, सपोर्ट कीजिएगा। गाइस यहाँ पे एक डस्टबिन दिया गया है, और यहाँ वॉश बेसिन है, और यहाँ पे एक टैप भी है जो कि रनिंग है, और सामने मिरर लगा हुआ है। मेरे की कंडीशन अच्छी है, क्लीन है, आप अपना फेस आराम से देख सकते हैं। और हाँ गाइस, जैसे मैं कह रहा था कि वॉलपेपर देखिए, डोर पे भी हैं, और पूरी ट्रेन में उत्कृष्ट में वॉलपेपर लगे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेन का वॉशरूम। सो ये हम लोग आ गए हैं वॉशरूम के अंदर। वाओ, इसके वॉलपेपर भी बहुत अच्छे हैं।
सो यहाँ पे आपको दिया गया है एक एग्जॉस्ट फैन, ये है फ्लश, इसको ऐसे दबाया जरूर कीजिए जब भी आप यूज करें टॉयलेट को। यहाँ पे टैप भी है, यहाँ पे जेट स्प्रे भी लगा हुआ है, और ये विंडो है, और यहाँ पे सोप होल्डर है, और ये रहा देखिए वॉश बेसिन, यहाँ पे सोप भी है और वाटर रनिंग है। देखिए मेरा ये भी क्लीन है, 10/10 देना चाहूँगा मैं इसकी क्लीननेस को। तो चलिए अब मैं आपको सीधा मिलता हूँ गाजियाबाद स्टेशन पे। वैसे कि पैरेलल रन चल रहे हैं और मेरे को पैरेलल बहुत ज़्यादा पसंद है यार, मैं अभी आया और देखा मैंने पैरेलल रन हो रहा है यहाँ पर। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी ट्रेन है। लाइट भी नहीं जल रही ना वरना यहाँ वो लाइट ही आ रही है। मैं भी देखता हूँ मैं कौन सी ट्रेन है। तो हम लोग गाजियाबाद पहुँच रहे हैं और हमारा पैरेलल चल रहा है, ये दूसरी लैंग्वेज में लिखा है तो मैं देख नहीं पाया कौन सी ट्रेन है। अभी बताता हूँ मैं कौन सी ट्रेन है। मुझे पैरेलल रन बहुत कम मिलते हैं और मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। न्यू दिल्ली पुरी, ओके। देखते हैं हु विल विन द रेस। हमारी ट्रेन स्लो हो गई है और पूरी वाली ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है। तो गाइस देखिए LHB वर्सेस ICF पैरेलल। दोनों ही रिक्शा अपने आप में बहुत खूब है। ICF के भी अलग मजे, LHB तो खैर अलग ही है। ट्रेन नंबर है इसका 02801 न्यू दिल्ली पुरी। अभी हमसे आगे निकल रही है, स्पीड पकड़ ली है इसने, तो पता नहीं ये रेस हम अभी जीत पाएंगे, बट कोई नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है, देखते हैं पैरेलल कब तक चलता है, कैसे चलता है। बोर्ड देख लीजिए आप, पूरी न्यू दिल्ली 02801। पैरेलल चल रहा है, पैरेलल बहुत कम मिलते हैं मेरे को बहुत पसंद है यार। तो हम लोग पहुंच रहे हैं गाजियाबाद जंक्शन। ये देखिए गाइस गाजियाबाद जंक्शन का बोर्ड, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अराइव किया है हमने गाजियाबाद जंक्शन पे।
पूरी, जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ पूरी, जगन्नाथ पूरी, जगन्नाथ पूरी, वो ट्रेन स्किप करते हुए जा रही है, हमारी ट्रेन यहाँ रुकेगी। सो हम लोग यहाँ रुक गए और वो ट्रेन जा रही है आगे। सो अब हम लोग पहुंच गए हैं गाजियाबाद जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है GZB। गाइस बहुत ही मज़ा आ रहा है, रात का टाइम और इतना सही में हम पहली बार, ये साडू भाई हम आपस में, ये हमारे साले साहब हैं, साला साहब ही मेरे दोनों ब्रदर हैं हमारे, ये हम हैं, ये पीछे हमारी ट्रेन है और हम हरिद्वार जा रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। बिल्कुल मंडवाड़ी नई दिल्ली, न्यू दिल्ली मंडवाड़ी एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है न्यू दिल्ली मंडवाड़ी, इसका ट्रेन नंबर है 02581। तो हमारा डिपार्चर स्टार्ट हो गया है गाजियाबाद से। तो देख सकते हैं न्यू दिल्ली मंडवाड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस रुकी और हमारी ट्रेन चल दी। आप लोग एंजॉय कीजिए हमारा डिपार्चर गाजियाबाद WAP 7 लोकोमोटिव लगा है इसमें न्यू दिल्ली मंडवाड़ी सुपरफास्ट में। हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं न्यू दिल्ली मंडवाड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। अभी मैं आपको इसका लोकोमोटिव दिखाता हूँ, गाजियाबाद WAP 7 है, कौन से सेट का है वो मैं अभी देख कर बताता हूँ आपको। GZ02581 गाजियाबाद सेट का ही है, जैसा कि मैंने कहा था, बिल्कुल सही कहा मैंने, गाजियाबाद सेट का WAP 7। ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे और साथ में ये मिडल बर्थ, और ये है अपर बर्थ, और ये है लोअर सीट, ये भी लोअर, ये मिडल है अभी खोली नहीं है, ये भी अपर। तो अब सामने देखिए, ये है वाटर बॉटल होल्डर, ये है वाटर बॉटल होल्डर, और सामने मिरर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, एक सेकंड फ्लैश ऑफ कर देता हूँ, तो मिरर लगा हुआ है, और ये चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है, मैंने टेस्ट किया था, वर्किंग है, अच्छी कंडीशन में, सीट नंबर लिखे हैं, और एक और वाटर बॉटल होल्डर है यहाँ पे।
यहाँ पे टेबल दिया हुआ, यहाँ पे अपना कुछ भी सामान भी रख सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, और एक और वाटर बॉटल होल्डर है यहाँ पे बना रहे हैं। हमारी ये साइड लोवर जो कि रेल फैंस की फेवरेट सीट है और मेरी तो फेवरेट सीट है ही। अब ये है ट्रेन का ओवरऑल व्यू, देख सकते हैं आप। ये हमारे साथ के बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ भी चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ है, ये वर्किंग है, मैंने टेस्ट किया था। और ये विंडो है, देख सकते हैं आप कितनी वाइड है, और सीट्स बहुत कंफर्टेबल है। रेल फैंस की फेवरेट सीट्स साइड लोअर। ये देखिए बच्चे अपना खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं। ये मैं, ये मोक्ष और ये मैं। और इन बच्चों के लिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं फिलगोवा स्टेशन, तो मैं आपको भी दिखाऊंगा फिलगोवा का अराइवल। और अभी ट्रेन अच्छी स्पीड में चल रही है, तो चलिए मैं आपको ट्रेन की स्पीड दिखाता हूँ, उसके बाद हम मिलेंगे फिलगोवा पे। तो हम लोग पहुंच गए हैं पिलगोवा रेलवे स्टेशन। तो गाइस देखिए पिलगोवा का अराइवल। हमारा डिपार्चर पिलगोवा से। ओ मैं बताता हूँ एक बारी, लव का फोन का सीन। पिकअप बढ़िया उठा रहा है हमारा WAP7। तो गाइस पिलगोवा से डिपार्चर ले लिया हमने, मैं आपको सीधा मिलूंगा हापुड़ पे। सुपर एक्सेलरेशन गाइस। GS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अब मैं आपको मिलूंगा सीधा हापुड़ पे। गाइस हम लोग अब पहुंच रहे हैं हापुड़, आपको मैं भी दिखाता हूं हापुड़ का अराइवल। भाई मजा आ रहा है जर्नी में, कि फैमिली के साथ हूं ना, हम लोग इतनी मस्ती कर रहे हैं गाइस क्या बताऊं। मेरे दोनों जीजू और मैं, मतलब हम तीनों मिलके इतनी मस्ती कर रहे हैं ना। और जो मेरा भाई है जिसका चैनल लव रेल जोन अभिषेक, उसको बड़ा मिस कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमने बचपन से लेके अब तक सारी ट्रेन जर्नी साथ की है। वो भी होता तो और मजे आते। हाँ आने वाला है।
सो गाइस हम लोग पहुंच गए हापुड़ जंक्शन। ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म पे घुस रही है अभी हापुड़ के। गाइस आप लोगों को जर्नी कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए हमारा हापुड़ पे अराइवल, हापुड़ जंक्शन का बोर्ड, सामने एक गुड्स ट्रेन खड़ी है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है हमारी ट्रेन हापुड़ जंक्शन पे। जैसे जो दूसरे डब्बे है स्लीपर वाले उसमें तो खतरनाक पहुंच गए हापुड़ जंक्शन। बहुत मजा आ रहा है इस जर्नी में, ट्रेन काफी अच्छी स्पीड में चल रही है। जीजू क्या कहना चाहेंगे, कैसी लग रही है आपको जर्नी? बहुत बढ़िया, ट्रेन काफी अच्छी स्पीड में चल रही है, जर्नी मजा आ रहा है, हम लोग इतनी मस्ती कर रहे हैं भाई क्या बताऊं मैं। चलिए गाइस मैं आपको सीधा डिपार्चर दिखाता हूँ। तो हमारी ट्रेन ने डिपार्चर स्टार्ट कर दिया है हापुड़ जंक्शन से। ये देखिए हापुड़ जंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर। न्यू कटनी जंक्शन का WAG 7 लोकोमोटिव फ्राइट के साथ लगा हुआ था। ट्रैक साउंड सुन के मजा आ जाता है गाइस, ट्रेन की हार्ट बीट है ट्रैक साउंड। भाई साहब क्या स्पीड में ट्रेन तोड़ रही है, मजा आ रहा है भाई।
सिपावली रेलवे स्टेशन। वी आर स्किपिंग सिपावली विद फुल स्पीड। तो हम लोग पहुंच गए हैं गढ़ मुक्तेश्वर रेलवे स्टेशन। गढ़ मुक्तेश्वर टाइम हो रहा है 12:40। आप देख सकते हैं अब हम लोग पहुंच गए हैं गढ़ मुक्तेश्वर रेलवे स्टेशन। तो जीजू क्या कहना चाहेंगे, कैसी लग रही जर्नी आपको अभी तक? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही मजा आ रहा है, बिल्कुल एकदम मस्त। मौसम भी ऐसा है, बिल्कुल तेज हवाएं चल रही है, ट्रेन की स्पीड 108 पे चेक किया था, आप उसमें भी आपको दिखाएंगे, शेयर करेंगे, जरूर देखिएगा इसमें। बाकी बहुत मजा आ रहा है, अभी तो पूरी रात हम ऐसे ही जाते रहेंगे, एंजॉय करना है। तो चलो गाइस अब मैं आपको सीधा डिपार्चर दिखाऊंगा। ट्रेन ने डिपार्चर स्टार्ट कर दिया है गढ़ मुक्तेश्वर रेलवे स्टेशन से। यहाँ पे मंकीज भी बैठे हुए हैं। ये मंकी बैठे हुए हैं यहाँ पर।
क्रॉस कर रहे हैं गढ़ के पुल को, गढ़गंगा का जो पुल है। क्योंकि अभी जब हमारी ट्रेन गढ़ मुक्तेश्वर से चली थी तो मेरे पापा का फ़ोन आया था, तो उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि अभी ये गढ़गंगा का पुल आने वाला है, तो इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत ही लंबा पुल है। हम लोग पहुंच रहे हैं गजरौला रेलवे स्टेशन, गजरौला जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है GJL। टाइम हो रहा है 1:05, 10 मिनट लेट है हमारी ट्रेन, अभी 12:55 का टाइम था यहाँ पर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है हमारी ट्रेन। सामने एक WAG-9 भी खड़ा हुआ है। मिलूंगा इसके डिपार्चर पे। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हम गजरौला रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है GJL और हमारी ट्रेन का यहाँ से भी डिपार्चर स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग इस टाइम मस्ती कर रहे हैं सारे यहाँ पे। कोई नहीं, सुबह सब अच्छे मूड में है यार, सबको इतना मजा आ रहा है ना जर्नी में। आप लोग क्या कहना चाहेंगे जर्नी के बारे में? मजा आ रहा है? जर्नी के बारे में बताओ। जर्नी बहुत अच्छी है, हमें बहुत मजा आ रहा है। आप लोग तो बताओ कैसा लग रहा है? ऐना तो दंड भी रख ले थे। लाना स्पीड यार, फुल थ्रोटल, मजा आ गया यार।
तो डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा गजरौला से। बस यहाँ से हमारी ट्रेन का लोकल रिवर्सल हुआ है। अब हमारी ट्रेन जिस तरफ से आई थी उसी तरफ को जा रही है, बट आगे से रूट चेंज करके अब ये जाएगी बिजनौर की तरफ। आप डिपार्चर एंजॉय कीजिए। रिवर्सल में डिपार्चर आपको कैसा लग रहा है? अभी इसी तरफ से माइट भी नहीं थी, वापसी इसी तरफ को जा रही है डिपार्चर में। तो गजरौला जंक्शन बाय बाय। तो भाई चलिए अब मैं आपसे सीधा मिलता हूँ बिजनौर पे, जब तक साथ बनाए रखिएगा। ठंड बहुत हो रही है, अब सुबह के 5:30 हो गए हैं। WDM 3D खड़ा हुआ है सामने फाइट ट्रेन के साथ। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारी ट्रेन पहुंची है, लक्सर जंक्शन पहुंच गए हम। वेलकम टू लक्सर रेलवे स्टेशन। सामने टाइम आप देख सकते हैं 5:31, हम लोग पहुंच गए हैं लक्सर रेलवे स्टेशन। ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम चल रही है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं लक्सर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है LRJ। और यहां पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं और इसको नॉर्दर्न रेलवे जोन ऑपरेट करता है। गाइस ठंड बहुत हो रही है। फिर डिवीज़न आता है मुरादाबाद और यहाँ पे टोटल 9 ट्रैक्स हैं। तो चलिए अब मैं आपको सीधा डिपार्चर दिखाता हूँ। सो गाइस हमारी ट्रेन ने डिपार्चर स्टार्ट कर दिया है लक्सर जंक्शन से। सॉरी गाइज, मैंने यहाँ पहुँचने से पहले आपको कहा था कि मैं आपको बिजनौर पे मिलूंगा, बट बिजनौर पे मैं नहीं मिल पाया क्योंकि मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज था और थोड़ी देर मैं सो भी गया था क्योंकि मैं 2 दिन से नहीं सोया हूँ। कल रात में पूरी ट्रेन में नहीं सोया था, परसों एक्चुअली जो मैंने कल ट्रेन वीडियो डाली थी अपनी कटरा कोटा सुपरफास्ट की, तो उसकी एडिटिंग कर रहा था मैं परसों पूरी रात, तो सो नहीं पाया था, तो इसलिए मेरे को कल रात को थोड़ी नींद लग गई थी। 1-1.5 घंटा सोया हूँ मैं, वो भी फिर से उठ गया हूँ मैं क्योंकि मेरे को लक्सर तो कवर करना ही था। तो चलिए अब आप इसका डिपार्चर एंजॉय कीजिए, अब मैं इसके बाद आपको मिलूँगा हरिद्वार पे। अगर ट्रेन में कोई रात जाग के मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों को, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, जबकि सपोर्ट की नीड है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपनी राय कमेंट में लिखिएगा कि आपको जर्नी में कैसा लगा। और आपको कोई चीज़ अगर बेकार लगती है, नहीं पसंद आती, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसको सुधार सकूं।
सुबह सुबह ठंड बहुत लग रही है गाइस। पाँच पैंतीस पे हमारी ट्रेन लक्ष्य से चल चुकी है। सुबह 6:25 का टाइम है हमारे हरिद्वार पहुंचने का। तो अब देखते हैं ट्रेन हमें हरिद्वार कब पहुंचाती है। तो मैं आपसे मिलूंगा सीधा हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे, फिर वहाँ वीडियो को एंड करेंगे। जब तक हरिद्वार से पहले कुछ दिखाने लायक लगा तो बिल्कुल दिखाऊंगा, वरना हम हरिद्वार के अराइवल पे मिलते हैं। बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में। अब गाइस मैं भी हरिद्वार से आज रात को वापसी की ट्रेन, भी यही ट्रेन है, इसी से दिल्ली जाऊंगा मैं आज भी वापसी। उसकी भी जर्नी आएगी, जरूर से देखिएगा उस वीडियो को भी। दिल्ली से चलने के बाद वॉशरूम दिखाया था, चलिए आपको एक फिर से वॉशरूम दिखाता हूँ, देखते हैं अब इसका कंडीशन कैसा है। ये देखिए सामने विंडो है, ये नीचे साफ है बिल्कुल। अब पानी भी देखिए फ्लश में आ रहा है, भरपूर पानी आ रहा है। तो गाइस मेरी विनती है आपसे, जब भी आप टॉयलेट यूज़ करें प्लीज़ फ्लश जरूर किया कीजिए। ये देखिए फैन चल रहा है और ये वर्किंग है इस टाइम। यहाँ आपको होल्डर मिल गए, आप कुछ भी टांग सकते हैं अपना कपड़े वगैरह भी है, इसको आप पकड़ के होल्ड कर सकते हैं। और वॉश बेसिन यहाँ पर दिया हुआ, पानी टैप रनिंग है, नीचे डस्टबिन दिया हुआ आपको। तो ये सोप, यहाँ पे सोप होल्डर है, यहाँ पे इसमें सोप नहीं है लेकिन। तो ये देखिए सामने मेरे रहा है, ये भी क्लीन है, अपना फेस आप देख सकते हैं। तो साफ़ सफाई के मामले में तो ट्रेन अभी तक साफ है, टॉयलेट अच्छा है, तो 10/10 रेटिंग दूंगा मैं क्लीननेस को उसके टॉयलेट्स की। ठीक है, ओवरऑल बढ़िया है। बोले बाबा।
जय, गंगा मैया की जय। हम लोग स्किप कर रहे हैं ज्वालापुर रेलवे स्टेशन को, बस इसके बाद आ जाएगा हमारा हरिद्वार। मैं आपको दिखाऊंगा हरिद्वार का अराइवल, बट आगे सिग्नल क्लियर नहीं है तो शायद रुकेगी हमारी ट्रेन यहाँ पे। शायद ये भी हॉल्ट है इस ट्रेन का, मैं देखता हूँ। वैसे यहाँ पे गाइस होल्ड तो इसका है नहीं, बट यहाँ ट्रेन रुक गई है। चलिए मैं आपको यहाँ से चलने के बाद दिखाता हूँ, और हम उसके बाद मिलेंगे सीधा हरिद्वार। तो गाइस सिग्नल क्लियर हो गया है, अब ट्रेन यहाँ ज्वालापुर से डिपार्चर लेगी। हमारी ट्रेन चल रही है यहाँ से ज्वालापुर से। चलिए गाइस आप डिपार्चर इंजॉय कीजिए। 6:07 पे निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। अब अगला स्टॉप है हरिद्वार। जो कि हमारा डेस्टिनेशन स्टॉप है, बट इस ट्रेन को तो आगे देहरादून तक जाना है। ऊपर आसमान देख सकते हैं आप, कितना प्यारा लग रहा है इस टाइम। बादल बादल हो रहे हैं हर जगह। Thank you.
अंदर। आईसीएम ब्लू मिक्स टाइम हो गया 6:12। रिलीफ मेडिकल वैन खड़ी है आईसीएफ की तरफ से बनाई गई। तो गाइस फाइनली हरिद्वार आ गया है, अब हमारा अराइवल देखिए। बस 6:13 हो गए हैं और ट्रेन ने यहाँ पर टाइम से 12 मिनट पहले पहुँचा दिया है। वैसे ट्रेन ऑलमोस्ट 20-25 मिनट पहले पहुँच गई थी, बट यहाँ पीछे ज्वालापुर पे ट्रेन को रोक दिया गया, उस वजह से अब यहाँ पे ट्रेन निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुँची है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी ट्रेन आई है।
बोलो गंगा मैया की जय। कटरा से ऋषिकेश, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से ऋषिकेश को जाने वाली हेमकुंड एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है गाइस, ये 6:23 पे 04610046 09 हेमकुंड एक्सप्रेस। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है HW। अब यहाँ पे ट्रेन ने आपको जैसा कि मैंने बताया 6:15 पर पहुँचा दिया है, मतलब 6:12 पर ट्रेन एंटर कर रही थी, अब 6:15 पर यहाँ ट्रेन रुक चुकी है। और यहाँ पे टोटल प्लेटफॉर्म्स हैं 10 प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ पे 20 ट्रैक्स हैं। और इसको नॉर्दर्न रेलवे जोन ऑपरेट करता है, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट आता है इसका। तो गाइस गर्मी में तो मज़ा आया। अभी मैं जा रहा हूँ अपने कोच की तरफ, जो कि हमारा AC 3 टायर, वहाँ मेरी फैमिली से मिलते हैं, उनसे भी पूछते हैं उनको जर्नी कैसी लगी। तो गाइस ये स्टेशन ओपन हुआ था इंदौर 1886 में, लगभग 135 ईयर्स पहले। तो चलिए फिर अब मैं चलता हूँ अपने कोच की तरफ, जो है B2 और B3। तो मिलते हैं अपनी फैमिली से, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। लोग अब पहुंच ही गए हरिद्वार, तो मैं अपने फैमिली के पास आ चुका हूं। तो ये मेरा भांजा है आरुष, बहुत क्यूट है ये। तो आपको बेटा ट्रेन का सफर कैसा लगा? बहुत अच्छा। और इस वीडियो को क्या करना है? लाइक। हां बिल्कुल सही कहा इसने, लाइक। हां सब्सक्राइब भी देगा, बच्चे भी आजकल समझ आए तो आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी फैमिली है, सबसे पूछते हैं कैसी लगी जर्नी। हां जी सर, जर्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसी लगी? बहुत मजा आया, बहुत। देखो टाइम से पहले पहुंच गई ट्रेन यहाँ पर। अंकल जी आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लगा ट्रेन का सफर? बहुत बढ़िया लगा, पापा से देखना चाहेंगे। बढ़िया, आप सब भी बता दो, अब सारे बता दो यार कैसा लगा सफर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जयकारा भी लगा दो एक बार, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हेलो, ये मेरा भांजा, इसका नाम मोक्ष है। और मैं नहीं हूँ। हाँ, इसको भी बोल दिया मेरा भांजा। बोल, हैं? ये आपको मैंने मिलवाया आरुष, जैसे कि आप जानते हैं मेरा भांजा बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं ये लोग। शैतानी भी उन्होंने बहुत की बात को, बहुत शोर मचाया था, बट कोई नहीं, बच्चे हैं तो शैतानी से करेंगे। तो चलिए गाइस अब इस वीडियो को यही एंड करते हैं, तो सपोर्ट बनाए रखिएगा, ऐसे मैं आपके लिए अच्छी जर्नी लाता रहूंगा। तो प्लीज अगर आपको जब अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको अगली जर्नीज भी मिल जाए। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो मुझे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं VM_IRF, वहाँ पे मैं जर्नी की अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर अगली जर्नी में। सो गाइस बाहर से हरिद्वार रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हरिद्वार लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये हमारा इंडियन फ्लैग, जय हिंद वंदे मातरम। इंडियन फ्लैग को देखते ही बहुत अच्छा लगता है।